बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब भाई हाफिज़ होंगे। बात करते हैं आज की वीडियो, में बात करेंगे हम कश्मीर के बारे में। जो जनाब परसों कश्मीर में हुआ है, मेरा दिल बहुत ही दुख आया है। कश्मीर में बशीर अहमद साहब को सुबह घर से निकले अपने 4 साल नवासे के साथ शहीद कर दिया गया। नवासे को नहीं मारा, पता नहीं कैसे वो रहम दिल हो गए कि नवासे को छोड़ दिया और बेचारे बुजुर्ग को शहीद कर दिया। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? उस बुजुर्ग से उनको क्या मसला था, उस बुजुर्ग ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने बीच रोड के ऊपर उनको गाड़ी से निकाल कर मारा। उनके घर वालों का कहना है कि बशीर अहमद साहब सुबह घर से दूध या दही का सामान लेने के लिए निकले थे और वो नवासे को साथ लेकर निकले थे, लेकिन कश्मीर की पुलिस ने कश्मीर की आर्मी ने इंतहा कर दी, ब्रुटैलिटी की इंतहा कर दी। इतना जुल्म आज तक नहीं देखा। आंखें कभी नहीं रोई मगर उस दिन बहुत रोई थी। कश्मीर जन्नत नज़ीर का टुकड़ा, अब वहाँ बारूद की बदबू आती है। पहले वहाँ खुशबू आती थी नदी नालों की, झरनों की आवाज़ें आती थी, अब वहाँ गोलियों की थरथराहट है। अब वहाँ के लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। जब से मोदी साहब आए हैं तब से काम खराब हुआ जा रहा है। इतने सफाक हो गए, इतने बेबाक हो गए कि आप लोगों ने इस महीने में 54 लोगों को बेगुनाह शहीद किया है। उन इंडियन आर्मी वालों ने पुलिस का नाम बार बार दिन में आ रहा है। इसका क्या तासुर जाता है? ओएसी सोई हुई है, ओएसी सोई हुई है। जो इत्तेहाद बना था अरब मालिक का, इसके रही सिर्फ चेयरमैन से जनाब ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद यूएनओ तमाम सोया हुआ है। उसके बाद आपके वजीर आजम साहब जो लोग कहते थे कि मैं जहाद का ऐलान कर दूं, जंग का ऐलान कर दूं इंडिया के खिलाफ, मैं ये कर दूं, क्या मैं जंग का ऐलान कर दूं आपके लिए, क्या मैं ये कर दूं। आपको रोज़ कोई ना कोई फौजी शहीद होते हैं LOC के ऊपर, बंदे आपके शहीद होते ही होते हैं, 4-5 बिला नागा वीकेंड पर तो होते ही, एंड ऑफ मंथ आपके होते हैं। आप फिर अब कह देंगे मैं जंग का ऐलान कर दूं, बाप कहेंगे जनाब जुमे के दिन बाहर निकले, एक घंटा खड़े हो, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। जो चीन ने करना था कर लिया, चाइना ने दुश्मन के बच्चों को नहीं पढ़ाया, उन्होंने जिस काम की सैलरी लेते हैं वो किया, जिस काम का वो पे लेते हैं उन्होंने वो किया, वो बेदरेक अंदर घुसे, उन्होंने अपना इलाका वापस ले लिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने वजारत खारजा कहते हैं मजबूत करेंगे, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। उसके बाद वो बच्चे को उन लोगों ने मारा है, बच्चे को उन लोगों ने टॉफियां लेके दी हैं, सारा कुछ किया है। बच्चा बेचारा बिलख रहा है, रो रहा है कि मुझे घर जाने दो, मेरे मामा के पास जाना है, मेरे मामा के पास जाना है। वो टॉफियों से क्या दिल बहला हो गया? जब अपने 4 साल बच्चे के सामने उसके नाना को कत्ल कर दिया तो क्या वो 20 साल बड़ा हो गया आपका हुर्रियत रहनुमा नहीं बनेगा, हुर्रियत लीडर नहीं बनेगा, कश्मीर की आवाज़ नहीं बुलंद करेगा? आप लोग रोज वहां बंदे मारी जा रहे हो और कहते हो कि हम कश्मीर को अमन की तरफ लेके जा रहे हैं, आप खुद अपना रास्ता दे रहे हो कश्मीर, कश्मीर की बात करने के लिए। उसके बाद जनाब आप लोगों ने, मैं PM साहब की बात करता हूँ, इमरान खान साहब की, आप लोगों ने मंदिर की इजाज़त दी बनाने के लिए, ठीक है बनाए, लेकिन हुकूमती पैसे से ना बनाए। हुकूमती पैसा किसका है? अवाम क्या है? टैक्स पेयर क्या है? आपने आज तक कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई दरबार की ताज़ीन और आइश नहीं की। तमाम मसाजिद जितने भी मकातिब फिक्र हैं, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशरीह, देवबंद जो भी हैं, तमाम की मसाजिद अवाम के चंदे से बनती हैं, अवाम की चंदे से बनती हैं, और तमाम मसाजिद बिल पे करती हैं, हर चीज़ पे करती हैं। आपने कुछ भी नहीं किया और फिर ये 180 रुपये का बिल क्यों अपने पास किया? आपने सारा कुछ कर दिया, बिल पास कर दिया, एवरीथिंग कर दिया, ठीक है आप बनाएं, जो मंदिर बनाते हैं बनाने दें, हमें कोई इतराज नहीं है। हम मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तानी है, आप मजहब का नाम ही ना लें। वो बनाएं मंदिर जैसे मर्जी बनाएं, वो चंदे के पैसों से बनाएं, जमीन खरीद के बनाएं, वो खुद पैसे इकट्ठे करें बनाएं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कौन होती है उनको देने वाली कि आप लोग पाकिस्तानी अवाम का पैसा एक गैर मुस्लिम के बुत कदे बनाने में लगाएं?
लोग एतराज करते हैं जी वो लोग टैक्स पेयर हैं, वो लोग ये करते हैं, वो लोग आपको सारा कुछ कहते हैं, वो पेट्रोल डलवाते हैं, उनके आप टैक्स पे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है अभी टैक्स पे करते हैं, करते होंगे ठीक है हम भी करते हैं, लेकिन जो ईस्टर आती है उनकी, वो होली आती है, त्यौहार आते हैं उनके, क्रिसमस आती है, वो जो उसके अखराजात होते हैं पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेज के, इंतजाम के, वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे नहीं करती, वो पे करती है उनके पैसों से पे करती है ना। तो अब जिनको खुश करने लगे हुए हैं वो लोग इंडिया में इतना कुछ मार रहे हैं, अब बाबरी मस्जिद का ऐलान करेंगे हम मस्जिद बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब मैं परसों देख रहा था नूरुल कादरी साहब को, जो आपके पीटीआई के वाकई वजीर हज साहब हैं, वो कह रहे थे हम इस्लामाबाद में बैदल मुजाहवी हम आंगी इंक्लेव बनाएंगे, उसमें गुरुद्वारा होगा, उसमें चर्च होगा, उसमें मंदिर होगा। अब लोग किस समझ में हुकूमत को लेके जा रहे हैं, आपकी मेहरबानी है आप रास्ते मदीना का मोटो लेके निकले हैं तो रास्ते मदीना के मोटो के बारे में काम करें। आपको मेरा पैगाम पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वायरल कीजिए, ना पसंद आए कोई नाराजगी नहीं। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग अस एंड अल्लाह हाफिज।